स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक में अगर आपका भी अकाउंट है तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म के माध्यम से आराम से अपना आधार लिंक करा सकते हैं और चाहेंगे तो आधार सीडिंग भी करा सकते हैं। आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग दोनों अलग चीज़ होता है। आधार लिंकिंग का मतलब होता है कि अगर आप आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं कहीं से तो पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप अपना आधार लिंकिंग अपने अकाउंट के साथ करा लेंगे, उसके बाद कहीं से भी आप फिंगर लगा के ऐसा विड्रॉल कर सकते हैं। आधार सीडिंग का मतलब हो गया कि अगर आप आधार सीडिंग कराते हैं तो कोई भी सरकारी पैसा हो तो आपके आधार कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, यानी कि उसमें अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका ब्रांच जहाँ का है उस जगह का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको एक डेट को मेंशन कर देना है। डेट को मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कह रहा है बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि जो भी आपका खाता संख्या है यानी कि अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिल करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे बता रहा है कि आधार लिंक करना है आपको। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है लिंकिंग ऑफ आधार UID नंबर विथ द अकाउंट। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, फिर से इसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको इंटर करना है। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, इस वाले ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे, इसके नीचे वाले ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है सीड माई आधार, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे कह रहा है आधार यानी कि UID नंबर, यानी कि आपसे आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं अपने आधार नंबर को इंटर करते हैं, उसके बाद कुछ पार्ट को हाइड करते हैं। इसके आगे कह रहा है नेम ऑफ द आधार होल्डर इन एज इन आधार कार्ड, तो मेरा जो नाम है वो लिख दिया, आपका जो नाम होगा उस नाम को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन, अगर आप सिग्नेचर करते होंगे तो सिग्नेचर कीजिए, अगर आप फिंगर लगाते हो यानी कि आप ठप्पा वगैरह लगाते हो तो ठप्पा कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर को लिखना है, ईमेल आईडी अगर आपके पास हो तो लिख दीजिएगा वरना छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना है। इसके साथ आपको क्या करना है, आधार का जीरोक्स कॉपी और बैंक पासबुक का जीरोक्स कॉपी के साथ में इसको ले जाकर बैंक काउंटर पर जमा करना है। वहाँ पर बैंक कर्मी इसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट से आधार को आसानी से लिंक कर देंगे। आपके अकाउंट से आधार कार्ड को जब लिंक कर दिया जाएगा तो आप कहीं से भी किसी भी समय आसानी से फिंगर रख कर पैसा निकाल सकते हैं, कभी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बैंकिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे।